फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा था, इसकी वजह से मेरा आवाज़ भी थोड़ा बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा आज एक केक की रेसिपी बना ली जाए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट केक। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक कप मैदा ले लेते हैं। चलिए मैंने 2 कप तो मैदा ले लिया है। चलिए अब हम 1 कप किसी भी चीनी ले लेते हैं, उसी कप से लिया है जिससे मैंने मैदा ली थी। चलिए अब हम 4 चम्मच कोको पाउडर डाल लेंगे, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल लेंगे और मैं बता दूँगी कितना डालना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। चलिए अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल लेते हैं। चलिए अब हम इसमें 1 चुटकी नमक डाल लेते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम 1 कप दूध ले लेते हैं और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम मिला लेंगे। चलिए अब 1 कटोरी मैंने घर की मलाई ले ली है। आप लोग रिफाइंड ऑयल और बिना नमक वाला बटर भी ले सकते हैं, ये मलाई डालने के बाद और भी यम्मी दिखेगा। चलिए बैटर इज रेडी। तो अब इसे मैं केक टिन में डाल लूँगी। अब हम अवन को प्रीहीट कर लेंगे 180 डिग्री पर। चलिए अवन मेरा प्रीहीट हो चुका है, अब मैं इसमें केक का बैटर रख दूंगी। चलिए मैंने अब ये चॉकलेट पिघला ली है, मैंने डार्क चॉकलेट ली है, आप डेरी मिल्क भी ले सकते हैं, मेरे पास यही पड़ी थी फ्रिज में तो मैंने यही ली, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। देखिए कितनी यम्मी लग रही है ये, कितनी डार्क चॉकलेट आई है। चलिए हमारा केक तैयार हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। चलिए हमारा केक बेक हो चुका है, अब हम इस पे चॉकलेट डालेंगे। कितनी यम्मी दिख रही है। चलिए मैंने थोड़ी सी ना चॉकलेट कद्दूकस करके रख ली थी, तो इसे थोड़ा सा हम ऊपर से डाल देंगे। चलिए मेरा केक रेडी हो चुका है, अब मैं इसको आपको कट करके दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट बना है। चलिए मैं अब इसे कट करती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। देखिए कितना अच्छे से ये कट रहा है। तो मेरा केक बनके रेडी हो चुका है, और ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।